कटी है सरे मैदान मगर झुकी तो नहीं, जला डाली थी तुमने कश्तियां अंदलुस के साहिल पर। ऐ मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया, चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। क्योंकि ये अजमत बातिल धोखा है, ये कुफर का लश्कर कुछ भी नहीं। ये अजमत बातिल धोखा है, ये कुफर का लश्कर कुछ भी नहीं। मिट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफर का लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है, जब खौफ खुदा हो दिल में अगर फिर कैसरो किसरा कुछ भी नहीं। अजीजा ने मोहतरम, आप देख रहे हैं शरक से लेकर गरब तक उम्मत मुस्तफा लख लख हो चुकी है। आज 1,70,00,000,000 की आबादी है, एक भी सलाहुद्दीन अयूबी नजर नहीं आता। आज 1,70,00,000,000 की आबादी है, एक भी यूसुफ ताशफीन नजर नहीं आता। एक भी गयासुद्दीन बलबन नजर नहीं आता। एक भी मोहम्मद बिन कासम नजर नहीं आता। एक भी शहाबुद्दीन गौरी नजर नहीं आता। वक्त गुजरता जला गया, कश्मीर की सिसकती बच्चियां आज पुकार रही है किसी मोहम्मद बिन कासम को, और बर्मा की नौजवान बेटियां पुकार रही है किसी नूरुद्दीन जंगी को। लेकिन मुसलमानों की सफों के अंदर गैरतमंद नौजवान की दिन ब दिन कमी होती गई, लेकिन कुदरत को मंजूर हो गया, मंजूरी हो गई कुदरत की। फिर उम्मत मुस्तफा की सफों में एक नाम गूंजता है, जिसको आज कायनात मुमताज हुसैन कादरी के नाम से याद करती है। उसकी 27 गोलियों की घनघोरत आज भी ईवाने केदार के अंदर जो है वो तय हो पाला कर रही है। फिर ये सफर आगे चलता जा रहा, चलता गया, कुदरत को मंजूरी हो गई। लाहौर की जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ बाबा खादिम हुसैन रिजवी मैदान अमल में आता है, पूरी दुनिया को ललकारता है कि जो ये लोग समझ रहे थे कि शायद मुसलमानों की माए बांझ हो गई है, मोहम्मद बिन कासम नहीं पैदा करेगी, साबित कर दिया वक्त ने कि आज भी शहाबुद्दीन गौरी की याद के अंदर मोहम्मद बिन कासम का नक्शा अगर कोई देखना हो, कश्मीर की सिसकती बेटी की फरियाद अगर कोई सुनने आया है तो वो खादिम हुसैन रिजवी सुनने आया। काबल से लेकर कंधार तक, तश्ते लैला से लेकर तोरा बोरा तक, किला जंगी से तकरीर तक, मूसल से बगदाद तक, कश्मीर की गलियों से लेकर अल कुदस के बाजारों तक, शबरगान के कुशवा से लेकर गजा की साहिल की पट्टी तक, बर्मा से लेकर शाम तक, उम्मत मुहम्मदिया आज लख्त लख्त है। जगह जगह टुकड़े उम्मत मुस्तफा के बिखरे हुए हैं। बाबा जी बता के गए हैं उम्मत मुस्तफा के बिखरे हुए लाशें, अगर ये चाहते हो शरक से लेकर गरब तक अमन फैल जाए तो वो एक ही नुक्ता है, और वो निजाम मुस्तफा है। निजाम मुस्तफा ही वो वाहिद नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर दोबारा उम्मत मुस्तफा उरूज पा जाएगी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये उम्मत जब तक मुस्तफा से जुड़ी रही, खुदा ने इसको कचरे दो मंजिलों से जो है वह हमकिनार किया। ये उम्मत ने जब गुंबदे खजरा का रास्ता छोड़ा है, तब से ये जिल्लत की बस्ती में आ गई है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई,
छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खोदी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई, खोदी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मिचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर्द-ए-अखुवत आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो जर के बंदे, बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई। अब सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पर आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। नारों की गूंज में लबैक या रसूल अल्लाह के नारों के गूंज में मैं दावत खताब देने जा रहा हूँ। सारी दुनिया आपसे वाकफियत रखती है, मेरी मुराद हजरत अलामा खतीबुल इस्लाम जनाब फारूकुल हसन साहब कादरी दामत मुकद्दमुल आलिया की बारगाह में मुल्तमिसों की आप तशरीफ लाते हैं और अपना माफी जमीर बयान करते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत Bye.